आज क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे। इससे पहले कल 25 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। कंटिन्यूटी चैप्टर है हमारा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 26 टू 30 सभी क्वेश्चन सेम है। इनमें हमने क्या करना है, इंडिकेटेड पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी, सॉरी के की वैल्यू फाइंड करनी, और गिवन के हमारे पास ये जितने भी फंक्शन दिए गए हैं ये इंडिकेटेड पॉइंट पे कंटिन्यूस फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया, वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, इसकी डेफिनेशन है के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। तब इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, और इसी की डेफिनेशन है 3 के बराबर कब है, इफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। Value of the function at point pi by 2, all three are equal. ये equal होने चाहिए। तो left hand limit में आप क्या आएगा? Limit x tends to pi by 2 from left side. तो function की definition क्या आएगी? जब not equal to pi by 2 के ऊपर वाली definition put करेंगे, जो है k cos x upon pi minus 2x. फिर right hand limit के लिए यही लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है फ्रॉम राइट साइड, एंड एफ एक्स की डेफिनेशन यहां भी यही होगी क्या, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स, और एफ पाई बाई टू जब एक्स हमारे पास पाई बाई टू के बराबर है तो फंक्शन की क्या है डेफिनेशन, यानी कि एक्स को मैं पाई बाई टू पुट करूं तो फंक्शन किसके बराबर आता है बी, इसकी जगह लिखूंगा मैं सीधा 3। इनको सॉल्व करते हैं तो क्या जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की एक्चुअल डेफिनेशन पुट करो। हम क्या करते हैं कि जब ये लिमिट का क्या होता है, किसी पॉइंट पे अगर वैल्यू ना निकले तो फिर हम क्या करते हैं उसके लेफ्ट में आते हैं, थोड़ी सी स्मॉल चेंज देके, स्मॉल चेंज इन टू एच, एच बहुत स्मॉल स्मॉल लेंथ होगी, इसके राइट में आए लेफ्ट में आए तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा पाई बाई टू माइनस एच, एच इसके लेफ्ट में पाई बाई टू माइनस एच। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आती है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इसके अप्रोच करेगी एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू एच क्या होता जाएगा जीरो होता है, जितने इसके अप्रोच जाएंगे एच उतना ही उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, एच किसके अप्रोच करेगा जीरो पे। तो वही मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन पुट करता हूँ, मैं एक्स की जगह वैल्यू पुट करूंगा पाई बाई टू माइनस एच, एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करूंगा ये पाई बाई टू माइनस एच, और लिमिट क्या हो जाएगी एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे के कॉस इस एक्स की जगह मैंने क्या लिखना है पाई बाई टू माइनस एक्स, और नीचे वाई में पाई का पाई माइनस टू इंटू एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स पुट करो, यह हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन पुट करो, इसी तरह राइट हैंड लिमिट के लिए भी हम एच चेंज देके राइट में जाते हैं, ये एलिमेंट क्या आएगा पाई बाई टू प्लस एच, और जैसे जैसे ये पॉइंट एक्स की वैल्यू है पाई बाई टू को अप्रोच करेगी एच किसको अप्रोच करेगा जीरो को, यहाँ भी ये डेफिनेशन पुट करो राइट हैंड लिमिट की लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और के इंटू कॉस एक्स की जगह मैं लिखूंगा पाई बाई टू प्लस एच, यहाँ पे सॉरी एच पुट करना है पाई बाई टू प्लस एच, और नीचे पाई माइनस टू इंटू एक्स की जगह पाई बाई टू प्लस एच, और आगे थ्री का थ्री ऐसे लिख दिया।
इसी को आगे सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, विच इंप्लाइज दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। और यहाँ पे देखो ये का किया ऐसे तो पाई बाई टू माइनस एच, पाई बाई टू में चेंज हो जाता है कॉस, किसमें चेंज होगा साइन में, क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो वैल्यू इसकी साइन साइन पॉजिटिव आएगा तो कॉस पाई बाई टू माइनस एच साइन एच डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू किसके बराबर आएगा, टू टू कैंसिल भी आएगा पाई माइनस माइनस हो गया प्लस वेच का वेच ऐसे ही। यहां भी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और ये आ जाएगा के कॉस पाई बाई टू प्लस एच किसके बराबर आएगा, कॉस चेंज होगा पाई बाई टू में साइन, बट क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई बाई टू में जब प्लस हो रहा है कोई एंगल कोई भी स्मॉल क्वांटिटी तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस ये नेगेटिव वैल्यू देगा तो ये इसका आ जाएगा माइनस साइन एच, और नीचे क्या आ जाएगा पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू में क्या आ जाएगा पाई माइनस टू इंटू एच तो माइनस टू एच, और थ्री का थ्री ऐसे लिख दिया। देखो विच इंप्लाइज दैट यहाँ से पाई और पाई पाई माइनस पाई कैंसर इधर भी कैंसर, तो यहाँ पे के अपॉन टू आएगा के साइन एच अपॉन टू एच के बराबर, के अपॉन टू कॉन्स्टेंट में बाहर ही निकाल देता हूँ, पीछे लिमिट किसके ऊपर रहेगी एच टेंड्स टू जीरो साइन एच अपॉन एच, और यहाँ भी सेम केस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या है माइनस के माइनस साइन एच अपॉन माइनस टू एच, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये अपॉन टू मैंने लिमिट से बाहर निकाल दिया क्योंकि कॉन्स्टेंट के ऊपर लिमिट वही आता है, तो क्या अपॉन टू बाहर निकाल दिन पीछे क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच अपॉन एच के बराबर और लास्ट थ्री को थ्री। तो इसकी वैल्यू हम लिखते हैं, मैं ऊपर थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, देखो क्या आ जाएगा विच इंप्लाइज दैट के अपॉन टू इंटू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच अपॉन एच, हमारे पास लिमिट का फॉर्मूला इसकी वैल्यू ये क्या आता है वन, ये थ्योरम पढ़ी हमने, यहाँ भी के अपॉन टू इंटू वन इज इक्वल टू थ्री के बराबर, ठीक है यहाँ पर रीजन दे सकते हैं बिकॉज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर वैल्यू देता है वन के बराबर, इसकी जो हमारी लिखी है तो यहाँ पे देखो यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो लेस का लिख सकते हो के अपॉन टू इंटू वन के अपॉन टू इंटू के अपॉन टू इंटू थ्री को इज रूट इज इक्वल टू थ्री, देयरफॉर के की वैल्यू क्या निकली सिक्स इसका आंसर। तो इस तरह से आप ये लिमिट सॉल्व कर सकते हो अप टू क्वेश्चन नंबर 30, ये तो ज्यादा ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 29 तक, 30 क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आप इसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 30 2 से ग्रेटर x और 10 से लेस है, 2 से ग्रेटर x है लेस देन 10, और तीसरी डेफिनेशन इसी की 21 का है इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है। इसमें क्या बताया ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन मतलब हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, इन इंडिकेटेड पॉइंट्स 2 और 10 पे भी कंटिन्यूस होगा, इसका मतलब इन पे भी कंटिन्यूस होगा, हमें फाइंड करनी है b की वैल्यू। तो आप सबसे पहले सिंस f इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसका मतलब विच इंप्लाइज दैट f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 भी फंक्शन कंटिन्यूस आएगा।
और आप कंटिन्यूस फंक्शन इंडिकेट पॉइंट 2 पे कंटिन्यूस होगा और इसमें कंटिन्यूस है तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्सटेंड टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? लेफ्ट हैंड लिमिट fx लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट साइड fx और वैल्यू ऑफ द फंक्शन पॉइंट 2 ये तीन इक्वल आएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन क्या आएगी? देखो व्हिच इंप्लाइज दैट मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो 2 के लेफ्ट में 2 से लेस है, इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? फंक्शन डेफिनेशन 5 पुट करनी है इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट साइड, 2 के राइट में तो 2 से ग्रेटर जब x पर वो क्या आएगा ax plus b और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2 जब x is equal to 2 है उसके लिए फंक्शन क्या है 5 f of 2 में डायरेक्ट 5 लिख सकता हूं। इसके बराबर लिखो तो which implies that यहां से क्या आएगी 5 की लिमिट 5 आ जाएगी, यहां डायरेक्ट वैल्यू पुट करो पॉलीनोमियल तो ये किसके बराबर आएगा 2a into x, ये आएगा सीधा a इंटू एक्स की जगह 2 प्लस बी और आर ए भी 5 नीचे इंप्लाइज है 2 इंटू ए 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये बनाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन बनाओगे इसके बाद सेकेंड इक्वेशन पॉइंट 10 पे भी कंटिन्यूस होगा ऑल्सो एफ इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 10 और x इक्वल 10 पे कंटिन्यूस है। यहाँ भी आप सेकेंड इक्वेशन बनाओगे कैसे, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 10 पे फंक्शन की आएगी राइट हैंड लिमिट के बराबर लिमिट x टेंड्स टू 10 फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन पॉइंट 10, ये तीन इक्वल आएंगे। इनको इक्वेट करके आप बनाओगे दूसरी इक्वेशन, ये क्या है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आर a एंड b, तो दूसरी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बनेगी, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकलेगी a और b की वैल्यू, तो आप इसको खुद कंप्लीट करोगे। सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट 31 to 34 ये सभी क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे जो थ्योरम 2 पढ़ी थी कंपोजिशन वाली थ्योरम उसका हम यूज करेंगे। तो 31 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 इसमें ये फंक्शन दिया गया है cos of x square is a continuous function, इसको शो करना है cos of x square is a continuous function। मैं इसको लिखता हूं वी हैव एफ एक्स किसके बराबर है cos ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि पॉलीनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos फंक्शन की कंपोजिशन हो रही है, जो फंक्शन कंपोजिशन इसमें कंपोजिशन मेथड को यूज करते हैं। तो मैं लेट लेता हूं एच एक्स लेता हूं एक्स स्क्वायर एंड दूसरा फंक्शन लेता हूं जी एक्स लेता हूं मैं cos x, एच एक्स लिया मैंने एक्स स्क्वायर और जी एक्स लिया मैंने cos x, तो विच इंप्लाइज दैट इन दी कंपोजिशन क्या आएगी जी ऑफ एच एक्स क्या होगा, ये कंपोजिशन आई एच की जी के साथ इसका मतलब क्या होगा जी इंटू एच एक्स विच इज इक्वल टू जी इंटू एच एक्स फंक्शन क्या एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के फंक्शन जी लग रहा है, फंक्शन जी क्या किसी के ऊपर किसी के ऊपर एक्स के ऊपर उसका कॉस एक्स स्क्वायर के ऊपर फंक्शन जी क्या आएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर ये आया, ये दो फंक्शन ये इनकी कंपोजिशन दिया आएगी। सिंस नाउ ये पता हमें एक्स स्क्वायर एक पॉलीनोमियल फंक्शन है और ये सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, क्यों क्योंकि इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो कभी उसमें कोई ब्रेकेज नहीं आएगी, हम तो बेसब ग्राफ कह सकते हैं। तो सिंस एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू और एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस फंक्शन है एंड दूसरा फंक्शन जी एक्स जो कॉस फंक्शन है ये किसके बराबर है कॉस ऑफ एक्स is also continuous continuous for all x belongs to all सभी रियल नंबर्स के लिए फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है
इसका मतलब क्या हुआ है कि कंपोजिशन भी गिवन के कार्डिनल दोनों रियल नंबर्स के कंटीन्यूअस हैं, इनकी कंपोजिशन भी, इसका मतलब g ऑफ h x जो कि आई थी cos ऑफ x स्क्वायर इज कंटीन्यूअस और इधर इक्वल आल्सो कंटीन्यूअस इज आल्सो कंटीन्यूअस फॉर ऑल x belongs to r, ये सभी रियल नंबर्स के कंटीन्यूअस आएगा। अब g ऑफ h x cos x स्क्वायर ये कंटीन्यूअस है, इसका मतलब cos x स्क्वायर क्या आता है, ये किसके बराबर है, f x इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x belongs to r, सभी रियल नंबर्स के कंटीन्यूअस फंक्शन है और सभी रियल नंबर्स के कंटीन्यूअस फंक्शन तो मैं कह सकता हूं, hence f is a कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कह सकता हूँ। तो इसी के बेस पे बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। सेकंड में आप क्या लोगे, एच एक्स लेना, सेकंड पार्ट थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ये क्या है हमारे पास फंक्शन दिया गया है कॉस एक्स का होल मॉड, आप एच एक्स क्या लोगे कॉस एक्स और जी एक्स क्या लोगे मॉड एक्स, देखो चेक करोगे एच एक्स क्या होगा जी इंटू कॉस एक्स और कॉस एक्स के ऊपर फंक्शन जी क्या जी उसका मॉड दिया जाएगा कॉस एक्स का मॉड। अब हमें पता है कॉस एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है मॉड एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, इसका मतलब इनकी कंपोजिशन ये भी आएगी कंटिन्यूस आएगी, सभी रियल नंबर्स की आ रही है सभी रियल नंबर्स की कंटिन्यूस है, इसका फंक्शन सभी रियल नंबर की कंटिन्यूस है सभी रियल नंबर की कंटिन्यूस है, इसको हम कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे। सेम इसी तरह आपने 33 और 34 भी सॉल्व करने हैं, 34 में अलजेब्रा यूज करोगे क्योंकि दोनों मॉडल्स एक्स मॉड ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होता है सभी रियल नंबर्स के लिए, एक्स प्लस वन भी मॉडल्स फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, एक डिफरेंस भी कंटिन्यूस आएगा। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी खत्म हो गया, कंटिन्यूटी में एक एक्सरसाइज है, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन थोड़ी सी हम रिवाइज करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन थोड़ी सी रिवाइज करें तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है एफएक्स, कोई फंक्शन दिया गया है उसका डेरिवेटिव क्या होता था, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ इज गिवन बाय कोई फंक्शन एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होगा एफ डैश एक्स से नोट करते हैं और किसके बराबर होता है ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये अलाउंट में पढ़ा था हमने, इसके बेस पे हम किसी फंक्शन के डेरिवेटिव निकालते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल बाय टू बाई एच, एच क्या हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी, इस फॉर्मूले से हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते थे। तो अब यहाँ पे हमने ये फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं अलाउंट में पढ़ा है, इसको यूज नहीं करना है, हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव याद रखना है, जो भी हमने निकाले हुए थे इस फॉर्मूले से साइन का डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाले थे, एक्स का और एन का डेरिवेटिव निकाला था जनरल फार्मूला, फिर उसके बाद ई एक्स लॉग एक्स वगैरह इनके डेरिवेटिव्स निकाले थे, अब हम उनके डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, इसका अलजेब्रा पढ़ना हमने, अलजेब्रा डेरिवेटिव्स देखो, अलजेब्रा डेरिवेटिव्स, अलजेब्रा डेरिवेटिव्स होता क्या है, अगर हमारे पास दो फंक्शंस दिए गए हैं कोई भी योर भी, तो उस केस में उनके पहला ये रूल याद रखो, उनके बीच में प्लस माइनस अगर साइंस है प्लस माइनस ऑपरेशन है उस केस में इनका डेरिवेटिव क्या आएगा होल, ये डैश इसको डिनोट कर रहा है डेरिवेटिव, यू प्लस वी का होल डेरिवेटिव किसके बराबर लिखेंगे, यू का डेरिवेटिव प्लस माइनस वी का, ठीक है, जब प्लस माइनस में होंगे डायरेक्ट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस या माइनस सेकंड फंक्शन,
फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा। बट अगर ये फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में है तो उस केस में क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन बाहर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन बाहर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। लेबनिट्ज और प्रोडक्ट रूल, जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, फर्स्ट फंक्शन बाहर सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड बाहर फर्स्ट का डेरिवेटिव। जरूरी नहीं कोई भी एक फंक्शन बाहर रखना, एक का डेरिवेटिव निकालना, ठीक है। फिर तीसरा आता है हमारे पास फंक्शन कोशेंट में u / v का होल डेरिवेटिव, तो ये किसके बराबर आएगा, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाला फंक्शन बाहर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, जो बाहर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर नीचे वाले फंक्शन बाहर इधर माइनस आएगा, सॉरी माइनस ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइड बाय नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कहेंगे कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, जब भी दो फंक्शन कोशेंट में होंगे तो वहां पे कोशेंट रूल अप्लाई करना है, ठीक है। ऊपर वाला ही फंक्शन बाहर रखना नीचे वाले का डेरिवेटिव, फिर नीचे वाला बाहर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और उसके बाद आ जाएगा इसका नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। लेकिन ये थोड़ा सा गलती, पहले नीचे वाला फंक्शन बाहर रखो, नीचे वाला फंक्शन बाहर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर जो बाहर नीचे डेरिवेटिव डिवाइड बाय ये स्क्वायर, ये क्वेश्चन टूल। उसके अलावा आपके कुछ फंक्शन के डेरिवेटिव थोड़े रिवाइज करवाता हूँ मैं, जो आपको आगे डायरेक्ट अप्लाई करने हैं। D upon dx of 1 upon x,
ये क्या आएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इनको हमने इसी फॉर्म में से डायरेक्ट किया, देखो इनकी भी डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करेंगे जब ये डेरिवेटिव्स आएंगे। इसकी अगर बात करूं इसका थोड़ा सा बताता हूं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रूट एक्स का मतलब एक्स पावर वन अपॉन टू, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या पावर इधर एक्स पावर क्या आ जाएगा वन अपॉन टू माइनस वन, ये किसके बराबर आएगा वन अपॉन टू, ऐसे तो एक्स की पावर क्या होगी वन अपॉन टू में से वन गया तो माइनस वन बाई टू, हम क्या करते हैं वन अपॉन टू ऐसे ही, तो ये इसकी नेगेटिव पावर है, इसको नीचे डिनोमिनेटर में लिया तो पावर क्या होगी पॉजिटिव, ये किसके बराबर आएगा वन इंटू वन वन अपॉन टू एक्स पावर वन अपॉन टू हम क्या लिखेंगे रूट एक्स, तो ये आगे इसका डेरिवेटिव इसकी डेवलपमेंट। ऐसे ही इधर भी डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स का मतलब क्या होता है एक्स की पावर माइनस वन, इसको मैं लिखूँ माइनस पावर इधर एक्स की पावर माइनस वन माइनस वन माइनस वन इंटू एक्स की पावर माइनस टू आ गई माइनस वन इंटू, और इस पावर को मैंने पॉजिटिव बनाना जिसको डिनोमिनेटर में ले लूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आया किसका वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट हम इसी के बेसिस पे थ्योरम्स पढ़ेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, थ्योरम्स हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस एंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पे।